राष्ट्रीय राजनीति में आज भी सक्रिय हूँ, कल भी था और आगे भी रहूंगा। तो धीरे धीरे हम आजाद तो हो गए, लेकिन हमारी जो मानसिकता है वो गुलामी पर ही अटकी रही। अभी 3 साल पहले ही उनके मुंह से मैंने दलित भाइयों के लिए गाली सुनी, तो मुझे एहसास हुआ कि अगर जब व्यक्ति पावर में आता है, जब उसके पास पैसा होता है, तो वो अहंकार में मेरा पढ़ा लिखा होने का इसका फायदा क्या है जब मैं इस व्यवस्था को चेंज नहीं कर सकता। बच्चों की शादी करूंगा तो मैं गांव में, ये नहीं है कि मैं अलग अलग टेंट लगाऊंगा या लेडीज का अलग हो या जेंट्स का अलग हो, गांव को अलग प्रोग्राम, दलितों का अलग प्रोग्राम, फिर उसके बाद में VIPs का अलग प्रोग्राम, तो ये भेदभाव नहीं है। तो उन्होंने खातियों को भी पर्चे दिए हैं, हरिजन को भी पर्चे दिए हैं, सेठों को भी पर्चे दिए, कुमार को भी पर्चे दिए, मतलब उनके चमत्कार दिए। जैसे हमने गांव में पता किया तो एक परिवार का लंबे समय तक वो इस सरपंच का जो पद है वो संभाला है, तो विकास भी तो किया है फिर उन्होंने। नमस्कार साथियों, गामराम में आप सबका स्वागत है, और आज हम पहुंचे हैं शेखपुर दरोली गाँव में, जिला फतेहबाद में। और आप मेरे साथ जो शख्स देख रहे हो, राजेश वर्मा जी है, जो कि शेखपुर गाँव से अभी आने वाले पंचायती चुनाव में सरपंच पद के दावेदार हैं। हम इनसे यहाँ आज बात करने पहुँचे हैं कि क्यों आप सरपंच के चुनाव में भाग लेना चाहते हो, या फिर जो गांव के लोग हैं वो क्यों आपको वोट दे, क्यों आपको अपना उम्मीदवार चुने। इन सब बातों को लेकर के, कितना ये गांव के बारे में सोचते हैं, किस प्रकार से अगर लोगों ने इनको आशीर्वाद दिया तो क्या गाँव के लिए इनके पास रणनीति है, तो सबसे पहले हम इनका स्वागत करते हैं। हाँ जी, राम राम जी। राम राम जी। राम राम के दर्शकों को और मेरे गांव के जितने भी इसी मंदिर के पंडाल में हैं, गांव में हैं, जो मुझे देख रहे हैं, उन सब का मैं राम राम चैनल की तरफ से उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं, और आपका भी विनोद जी मैं स्पेशल धन्यवाद करता हूं कि आप इतनी दूर चला के मेरी बाइट और मेरा साक्षात्कार लेने आए। धन्यवाद जी। अभी हम बातचीत शुरू करते हैं, और सबसे पहले जो मैंने आपके गांव से लोगों से या मुझे जो जानकारी मिली कि आप जो राष्ट्रीय राजनीति है उसमें अभी तक सक्रिय थे, तो क्या ऐसा कारण रहा कि आपको लगा कि राष्ट्रीय राजनीति छोड़ करके मुझे गांव के लिए या गांव में काम करना चाहिए? सबसे पहले तो मैं ग्रामवासियों को बताना चाहता हूँ कि मैं राष्ट्रीय राजनीति में आज भी सक्रिय हूँ, कल भी था और आगे भी रहूँगा। और गांव में आने का एक स्पेशल मेरा जो उद्देश्य है वो ये है कि मैं, एक गीता का श्लोक है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति वार्तः, तो उस अगर उसकी मैं विस्तार से आपको बताऊं तो ऐसा है कि जब जब भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जब जब धर्म पर संकट आता है तो मैं किसी न किसी रूप में यहाँ धरती पर आता हूँ, या मेरा कोई प्रतिनिधि भेजता हूँ, तो उसी तरह का ही मुझे महसूस हुआ कि भगवान श्री कृष्ण जी ने, हो सकता है कि मुझे इस काम के लिए चुना हो। क्योंकि काफ़ी समय से मैं गांव में देख रहा हूँ कि मेरे गांव में ज़्यादातर जो लोग हैं, हमारे जब अगर प्राचीन काल में हम जाते हैं तो हमारे गांव में शासन था मुस्लिम शासन, और इतनी गाँव के पास ज़मीन नहीं थी कि वो अपना गुजारा बसर करने ही मात्र ज़मीन थी। अच्छा। लेकिन ऐसा कोई भी धंधा नहीं था, ना नौकरियां थी। तो उस समय जब हमें बताते हैं कि हमारे बुजुर्ग, हम सुनते हैं उनसे कि सुंदे खान नाम का एक व्यक्ति था जो यहाँ का तानाशाह था। अच्छा। तो उसके बाद में हमें जैसे जैसे पता चला कि हमारे यहाँ एक योद्धा हुए थे जोराराम जी बिश्नोई, जिन्होंने इस गाँव को बसाया था, नहीं अच्छा। उस सुंदे खान से हमें आज़ादी दिलाई जी, जी। तो हमारी जो प्रवृत्ति रही थी वो हमेशा ही गुलामी की रही थी। तो धीरे धीरे हम आजाद तो हो गए, लेकिन हमारी जो मानसिकता है वो गुलामी पर ही अटकी रही। और पिछले कुछ सालों में मैंने ये रियलाइज किया था कि गांव में किसी एक विशेष व्यक्ति का उसी तरह का रुझान था। अभी 3 साल पहले ही उनके मुंह से मैंने दलित भाइयों के लिए गाली सुनी, तो मुझे एहसास हुआ कि अगर जब व्यक्ति पावर में आता है, जब उसके पास पैसा होता है, तो वो अहंकार में डूब जाता है। तो यही हुआ था कि एक वो वाकया मेरे जीवन को बदल दिया उसने, कि मुझे गांव में जब दिखा कि इतना भेदभाव, इतना मतलब और लोगों के प्रति इस तरह की भावना, तो मेरे मन में ये ख्याल आया कि क्यों ना मैं पहले गांव को ही सुधारूं, ताकि ये जो ऊंच नीच का, जात पात का भेदभाव है, इसको मैं ख़त्म करके और गांव का सुधार करूं। अब कहते हैं भी काफ़ी समय तक, उसके बाद में आज़ादी के बाद भी हमें हुआ, क्योंकि मैं भी उसका, उस व्यक्ति विशेष का लगा लो या उस पूरा गांव उसके
मतलब नीचे काम करता था, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, मेरा परिवार भी शामिल है। हम ये नहीं कहते भी कि हम आज़ाद नहीं थे, हमारी मानसिकता ऐसी नहीं थी भाई, हमारी भी मानसिकता थी, हमारी अच्छी उनके साथ अच्छा हमारा भाईचारा भी था, लेकिन वो बात अलग थी। जब मैंने खुद को मैंने देखा कि मेरा पढ़ा लिखा होने का इसका फायदा क्या है, जब मैं इस व्यवस्था को चेंज नहीं कर सकता। आज भी मैं देखता हूँ तो पूरा भेदभाव मुझे दिखाई देता है। अभी पिछले दिनों देखो, मतलब जैसे भी हमारे गांव के एक सरजीत जी सारण है जो बिश्नोई है, तो उन्होंने सार्वजनिक एक मंच से एक बात कही थी कि मैं भाईचारा बनाने के लिए भाई, मैं जब मेरे बच्चों की शादी करूंगा तो मैं गांव में, ये नहीं है कि मैं अलग अलग टेंट लगाऊंगा या लेडीज का अलग हो या जेंट्स का अलग हो। टेंट लगते हैं गांव में? गांव में किसी व्यक्ति विशेष ने लगाए हैं अभी। अच्छा। मैं उसी के बाद एक तरफ तो उस बंदे की सोच देखो आप है कि वो पूरे गांव को, दलित भाइयों को, पिछड़ों को, सवर्णों को, सभी को इकट्ठा करता है, यहाँ तक कि लेडीज भी। और एक तरफ ये है भी गांव को अलग प्रोग्राम, दलितों का अलग प्रोग्राम, फिर उसके बाद में वीआईपीज का अलग प्रोग्राम। तो ये भेदभाव नहीं है तो क्या है? ये मानसिकता उन लोगों की ऐसी हो चुकी है कि वो भेदभाव करते हैं, उनको गालियां देते हैं। अब मेरे पास कहते हैं भाई, अगर कोई व्यक्ति मुझसे पूछना भी चाहे कि यह बात सत्य है, तो मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि मैं उस मेरे इष्ट देव के मंदिर में बैठा हूँ, इससे ऊपर मैं मतलब नहीं मानता, क्योंकि मैं इनके आदर्शों पे चलता हूँ। आपको ये भी बता देता हूँ कि जो हमारे इष्ट देवता है रामदेव जी महाराज, पोखरण रियासत के एक राजा के लड़के थे। अब इनका क्या था कि कहते हैं विष्णु के अवतार थे ये, और एक राजपूत के घर इन्होंने जन्म लिया, उसके बावजूद भी इन्होंने दलित लड़की को अपनी धर्म बहन बनाया, और जब समाधि ली थी तो इन्होंने अपने से पहले उस लड़की को समाधि दिलवाया, और उन्होंने पूरे, ये भी कहते हैं भी जैसे हमारे यहाँ एक देसी भाषा में एक शब्द यूज करते हैं भाई पर्चा देना, और तो उन्होंने खातियों को भी पर्चे दिए हैं, हरिजन को भी पर्चे दिए हैं, शेट्टों को भी पर्चे दिए, कुमार को भी पर्चे दिए, मतलब उनके चमत्कार, हाँ, चमत्कार, चमत्कार दिए हैं उनको। तो हर बिरादरी का जब उन्होंने ये समाज में, इतने साल पहले देखो, जब तो बहुत मतलब ज्यादा मानसिकता थी ये गुलामी की बहुत ज्यादा, क्योंकि वहाँ वो राजा होता था, वो ही सब कुछ होता था, लेकिन जब उन्होंने ये भेदभाव नहीं किया तो आज के समय में हम क्यों करें? चलिए, आपने कई सारे मुद्दे एक साथ बताए, तो अभी अगर आप किसी व्यक्ति विशेष की बात कर रहे हो, और जैसे हमने गांव में पता किया तो एक परिवार का लंबे समय तक वो इस सरपंच का जो पद है वो संभाला है, तो विकास भी तो किया है फिर उन्होंने? विकास की बात अलग है जी, विकास के बारे में मैं भी आपको बताऊंगा, लेकिन अगर विकास जैसे एक प्रजा है, अब ये प्रजातंत्र है, विकास जो उस चेयर पे बैठता है उसका कर्तव्य बनता है विकास। अच्छा। करने का ये नहीं है कि आप एक तरफ तो लोगों का शोषण कर रहे हो, दूसरी तरफ विकास का दंकोसला पीट रहे हो, तो ये कोई औचित्य नहीं है। चलिए, आपकी बात मानते हैं, आपने कई सारे मुद्दों में बात की। मैं अब आपसे पूछना चाहूंगा कि आज जो समाज का सबसे ज्वलंत मुद्दा है, एक युवा है जो नशे की तरफ जा रहे हैं, या फिर हम ये कहेंगे कि कैसे पढ़ाई करने के बाद आगे क्या जाए, तो फिर आप युवाओं के लिए क्या करने वाले? युवाओं का देखिए मुद्दा नशा, मैं नशे के बारे में बता देता हूँ कि कुछ समय पहले हमारे यहाँ नशे का प्रचार था जी। वो भी ज्यादा नहीं था शुरुआती, जैसे हम उसको एक नर्सरी के रूप में कह सकते हैं, तो हमारे भी कई दोस्त थे जो इस तरह के नशे में इन्वॉल्व थे, हमने उनको बड़े प्यार से समझाया, तो उन्होंने नशा भी छोड़ दिया, कहना भी माना। आज भी हर युवा, मेरे गांव का हर युवा पढ़ा लिखा युवा है और आगे जाना चाहता है, तो मैं बड़ा, जो मेरे दोस्त थे वो नशा करते थे, उन्होंने छोड़ के आज वो समाज की एक मुख्य धारा में शामिल हो गए। अगर कुछ लड़के हैं जैसे शिकायतें आ रही, कुछ दो चार है, तो हम उन युवा साथियों से बात करेंगे, उनसे उनको समझाएंगे भाई ये गलत चीज है, वो खुद भी मानते हैं, वो छोड़ना भी चाहते हैं, तो हम थोड़ा सा उनको और ज्यादा मोटिवेशन करेंगे तो वो छोड़ भी देंगे। खेलों के लिए देखिए, खेल में मेरा गांव सबसे ज्यादा पिछड़ा हुआ था, तो प्राचीन टाइम में हम जब 9th में था, मैं 10th में था, तो हमने ग्राउंड में ये जो दूसरे किक्कर होते हैं इनको काट काट के हम गांव के युवा वर्ग ने साफ किया था, ग्राउंड भी तैयार किया था अपने लेवल पे, काफी लंबे टाइम तक संघर्ष चलता रहा अपने यहाँ ग्राउंड के लिए, कि स्टेडियम की हमारे भूमि थी जहाँ ग्राउंड बनना था, आज वो ग्राउंड तैयार है और उस ग्राउंड को मैं स्टेडियम का रूप देना चाहता हूँ। अगर मेरे पास
गांव अगर मुझ पे सहमत हो, कल को मुझे अगर ये ग्राम प्रधान बनाए, तो मैं सबसे पहला मेरा ये है कि मैं गांव में स्टेडियम का निर्माण करूं। और मैंने मैनिफेस्टो में भी अपने सबसे पहले यही देखा था कि मैं सबसे पहले गांव में खेलों का विकास करूंगा और स्टेडियम का निर्माण करवाऊंगा। क्योंकि हम ग्रामीण परिवेश या ग्रामीण अंचल का गांव है शेखोपुर डडोली, तो यहाँ पर जल भराव बारिश के समय बड़ा होता है और किसान इससे बड़े पीड़ित हैं। फसलें जब पूरा खर्चा लग जाता है और उसके बाद पानी भराव होता है, तो इस समस्या के बारे में भी आपने सोचा है? हाँ, पिछले 2 साल से मैं देख रहा हूँ कि पिछले साल भी हमारी लगभग 90% फसल है वो खराब हो चुकी थी। वो सेम का सेम हालात अभी है, अभी उससे थोड़ी ज़्यादा है, क्योंकि हमने पिछले साल इतनी बारिश हुई तो हमने देखा कि ये जो एक शॉर्ट टर्म की समस्या होगी, तो हमने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। जब अब की बार हमें देखा भाई ये समस्या तो आने वाले समय में और ज़्यादा हो सकती है, तो इसके लिए हमारे जो हरियाणा सरकार है उसने भी अभी पाइपलाइन हमारे यहाँ गाँव में डलवाई है, तो लेकिन वो पूरी तरह से कामयाब नहीं हुई। और उनका कोशिश कर रहे हैं जो इंजीनियर वगैरह हैं, ठेकेदार वगैरह हैं, वो सारा कुछ इस मामले पे काम कर रहे हैं। आज भी मैं एसडीओ साहब विनय प्रताप जी हैं बट्टू कला जो बीडीओ हैं, उनसे मेरी मुलाकात हुई थी और लगभग 15 मिनट में उनके पास। पंचायती लेवल पे क्या हो सकता है इसमें? पंचायती लेवल पे यही हो सकता है कि जो इसकी एक तो जोहड़ की खुदाई। अच्छा, हम पहले हमारे यहाँ पशुओं को ज़्यादा पानी नहीं पिलाते हैं, यहाँ जोहड़ में ना ही नहलाते हैं, तो हमारा जोहड़ है वो वैसे भरा रहता है। तो पंचायत अपने लालच के लिए जो मछली पालन का ठेका देती है, तो वो मैं ये सोचूंगा आने वाले टाइम में उसको बंद करूँ। अच्छा, तो पानी अगर जोहड़ में होगा तो हम 1 महीने पहले उस जोहड़ को खाली कर सकते हैं। खाली इसलिए कर सकते हैं कि गांव के किसी व्यक्ति को भी, हर कोई जिसको आवश्यकता हो पानी की, वो पहले ही लगा ले। जैसे सावन आने से पहले ही हमारा जोहड़ खाली हो जाए। होती है। हाँ हाँ, तो उस पानी का यूटिलाइज भी हो जाएगा सही, और लोगों को ये प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। अगर सावन के महीने में अगर जोहड़ खाली है, तो आज जैसे बरसात हुई, अगर इससे 3 गुना भी बारिश अगर हो जाए तो हाँ जोहड़ में आराम से हमारा हो सकता है। और दूसरा एक ये है कि आज एसडीओ अपने बीडीओ साहब बता रहे थे कि हम एक परमानेंट टेंडर निकालेंगे। अभी हाल में तो नहीं निकाल सकते क्योंकि हम 2 लाख रुपए तक अभी फिलहाल लगा सकते हैं। अगर 2 से आगे लगाते हैं तो हमें टेंडर प्रक्रिया को पूरा करना होता है। अच्छा, जो जिसमें 15 से 20 दिन का टाइम लगता है। हाँ। तो वो तो मैंने यही कहा था कि हमारी एक बार जो इस समस्या है इससे निजात दीजिए और भविष्य में ये इसका स्थायी समाधान है वो करें। अच्छा, हाँ, तो पानी निकासी या किसानों की जो समस्या है उस बारे में बात की। एक शेखपुर गांव से हमारे भी कई मित्र हैं, जानकार हैं, तो हमें लगातार जुड़े भी रहते हैं। आपके गांव में हालांकि तुलनात्मक और गांव जो होते हैं उनकी बजाय जमीन लोगों के पास कम है, पर फिर भी गवर्नमेंट जॉब में बहुत हैं, इसका किसको श्रेय दोगे? मेरे गांव के, मुझे गर्व है मेरे गांव के युवा साथियों पर कि वो इतने मेहनती हैं भाई। उन्होंने देखी है, गरीबी देखी है पीछे, तो वो युवा सोचते हैं अभी अगर नौकरी के सिवाय हमारे पास दूसरा ऑप्शन नहीं है, जमीन है नहीं, लोगों के पास है अभी तो बहुत कम है, तो उनका झुकाव बहुत ज़्यादा सारा लगभग वो शिक्षा के प्रति रहता है। और आज भी गरीब घर के बच्चे ऊंचे ऊंचे पदों पर पहुंचे हैं और पहुंचेंगे भी। हमें बड़ी खुशी होती है कि जब एक बंदा, एक बच्चा है, पूरी मेहनत के साथ, शिद्दत के साथ अगर इतना कुछ करता है तो उसे कामयाबी मिलनी चाहिए। इसके लिए, शिक्षा के लिए भी मेरा एक बेस्ट प्लान भी है जो मैं आपको बताता हूँ कि अभी जैसे हमारे गांव में लाइब्रेरी है, प्राइवेट लाइब्रेरी है, तो वहां जाते हैं तो लगभग बच्चों के 700-800-900 हज़ार रुपये तक मंथली खर्च होता है। क्योंकि मैं खुद एजुकेशन से जुड़ा हुआ हूँ, हायर एजुकेशन मैंने प्राप्त किया है, मैं PhD हूँ। अच्छा, और मैं 2 साल गवर्नमेंट कॉलेज रतिया में भी था एक्सटेंशन बतौर एक। हाँ, सब्जेक्ट क्या आपका? हिस्ट्री। तो मैं इससे जुड़ा भी हूँ और मुझे पता है भाई बच्चों की क्या प्रॉब्लम। अगर एक नॉर्मल फैमिली, एक गरीब फैमिली से आप ये सोचो कि 800 रुपये या 900 रुपये महीना निकल रहा है तो बहुत मुश्किल है। घर में ऐसा इन्वायरमेंट नहीं है कि वो बच्चा पढ़ सके। इसके लिए ये मेरा मेरा प्लान है कि मैं जब भी इस गांव की बागडोर संभालूंगा तो उन बच्चों के लिए एक बड़ी लाइब्रेरी का निर्माण करूंगा। और क्योंकि यूनिवर्सिटी में, जैसे रोहतक यूनिवर्सिटी है, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है, सभी यूनिवर्सिटियों में मेरी जानकारी ही है, और जो कुछ कोचिंग सेंटर पे है जो UPSC की तैयारी करवाते हैं वो मेरे अच्छे मित्र भी हैं, तो मुझसे लगभग मेरा 10,000 किताबें अगर इकट्ठी भी करनी हुई लाइब्रेरी के लिए तो मेरे लिए मुश्किल काम नहीं है। और
प्राइवेट लाइब्रेरी में ना तो आपको न्यूज़पेपर की सुविधा मिलेगी और ना जो मासिक पत्रिकाएं आती हैं और जो साप्ताहिक जो आती है पत्रिकाएं वो नहीं मिलती। फिर खर्च भी है। तो मेरा ये है कि कम से कम 4 न्यूज़पेपर है वो उस लाइब्रेरी के अंदर डेली आएंगे, जो साप्ताहिक ये पत्रिकाएं हैं वो आएंगी और मासिक आएंगी, और जैसे ईयरली कोई बुक आ रही है तो वो भी मतलब होगी, क्योंकि करंट अफेयर्स के लिए बच्चों के लिए बहुत जरूरी होता है। तो डॉक्टर साहब राजेश वर्मा जी थे मेरे साथ और हमने कई सारे मुद्दों पे बात की। एक जो और मुद्दा बचता है कि जो हमारी माताएं हैं बहनें हैं उनको भी किसी न किसी प्रकार से कुछ उनकी अलग डिमांड्स होती है समाज में, तो उनके लिए आपने क्या सोचा है भी हमारी जो माताएं बहनें हैं उनके लिए? हमारे माताएं बहनें हैं जो हमारी बूढ़ी है उनको तो गवर्नमेंट भी पेंशन के रूप में दे रही है, उन्हें जब हम उनके घर की पूरी जो बुनियादी जो उनको सहूलियत मिलनी चाहिए वो पूरी करेंगे हम उनकी, उनके परिवार के अगर हम व्यक्ति को दे रहे हैं तो उसी घर में जा रहा है। और जो हमारी जो औरतें हैं, अगर हम मेरा भी यही है अभी कल को वो एक ग्रुप का भी जो सिस्टम है वो सामूहिक बनते हैं उनमें भी मैं उनकी और भागीदारी करवाऊंगा ताकि वो सामूहिक ग्रुप से मिलकर वो भी खुद बन सके, और मैं जैसे भी कुछ होगा तो उसके लिए हमेशा तैयार ही रहूंगा। तो मैं तो यही कहता हूं भी कम से कम शेखू पर डरोली के जो युवा है जो बूढ़े बुजुर्ग है मेरी माताएं बहनें हैं, तो इससे मतलब जैसे भी मैं देखता आ रहा हूं मेरे युवा साथी भी देख रहे हैं आज तक कोई यंग सरपंच है इस गांव में नहीं बना है। तो अब की बार पहले भी युवाओं में इतना रुझान है कि अब हम अब की बार युवा सरपंच लाने जा रहे हैं, तो कई लोग हैं कईयों की मानसिकता वो मैं बता रहा था, जैसे मैं अब थोड़ा पीछे जाऊंगा फ्लैशबैक में जाऊंगा कि जो मानसिकता की बात है वो वही से मानसिकता से हटके ही मैं ये काम कर रहा हूँ। कुछ लोग मुझे आज भी कह रहे हैं कि भाई हमारा इतना पुराना साल 40 साल से या पुराना 50 साल से हमारा बूढ़े बुजुर्गों का रिश्ता चला आ रहा है और आपका एकदम से अचानक अलग होना, तो मैं यही कहता हूँ जब मैं तो ये है ना कि मैं एक विचारधारा के साथ आगे बढ़ रहा हूँ। मैं अपने इष्ट देवता बाबा रामदेव जी का भक्त हूँ और लगभग हर रोज या महीने में जब भी मुझे टाइम मिलता मैं यहाँ आकर बैठता हूँ। तो जब उनके सिद्धांतों पर चलना वाला व्यक्ति चाहे उसके लिए मेरे लिए कोई परिवार मायने नहीं रखता भाई, ऐसे भाई हो बेईमान समाज के लिए काम करना मेरे लिए है। और उन भाइयों को भी जो आपके माध्यम से मैं उनसे कहना चाहूँगा कि वो इस भ्रम में ना रहे कि मैं उनका आदमी हूँ या उनके लिए काम कर रहा हूँ, मैं अपने इष्ट देवता के मंदिर में बैठा हूँ और मैं यही कह रहा हूँ कि जो लड़ाई मैंने शुरू की है वो मैं अंत तक निभाऊंगा। इसके लिए लोगों को मैं एक बार फिर उनसे निवेदन कर रहा हूं कि इस बात से हटकर ही कोई बात करे, और ये बात सत्य है क्योंकि मैं मंदिर के सामने बैठा हूं। देखो आप मैं आप थोड़ा कैमरा इधर करोगे तो मुझे भाई इनकी कहते हैं कि मंदिर में जो इंसान जाकर कोई बात कहता है वो सत्य ही होती है। तो लोगों से आज से ये कहूंगा कि इस वीडियो के बाद देखने के बाद शायद मेरे आगे, क्योंकि मेरे खुद के दोस्त भी कहते हैं मुझे, तो मैं उनसे भी कहूंगा कि इस बात को कृपया आप दूसरी बार मुझे आगे न करें, क्योंकि मैं आपको एक अलग अलग तो जवाब नहीं दे सकता, इसलिए मैं सामूहिक रूप से उनका जवाब दे रहा हूँ। और मैं ये भी चाहता हूँ कि इस मुहिम में जो ऊंच नीच की और जो विकास की होने की न होने की जो ये मैं जो लड़ाई रहा हूँ उसमें मेरा सभी ग्रामवासी है वो सहयोग दें, और भविष्य में मैं इतना विश्वास दिलाता हूँ कि आगे मैं चुनाव लड़ूँ या न लड़ूँ लेकिन सभी ग्रामवासी अगर ये कहेंगे कि राजेश वर्मा जैसा लड़का गांव से और ढूंढ के लाओ हमें उसी सरपंच बनाना है तब मेरा सपना है वो साकार होगा। तो साथियों राजेश वर्मा जी थे गांव शेखपुर डरोली से जो कि भावी जो आगे आने वाले पंचायती चुनाव हैं उसमें सरपंच पद की उम्मीदवारी कर रहे हैं, तो इनके मन के विचार थे आप सब तक पहुंचाए। आपकी जो भी प्रतिक्रिया हो किसी कोई और अगर आपको लगे कि ये कोई मुझे इनसे क्वेश्चन करना था तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगली बार जब हम मिलेंगे अगली बार जब शेखपुर डरोली हम आएंगे तो ज़रूर हम उस पर्सन का भी आपको उत्तर देंगे। तो गाँव के मुद्दों के साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए गाम राम, और फिर किसी अन्य मुद्दे के साथ फिर हम मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।